तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग बेस्ट एफिलिएट प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं प्रमोट करने के लिए, जिनके ऊपर अगर आप लोग वीडियोस बनाएं तो वो रैंक हो जाएं, या फिर जिनके ऊपर अगर आप लोग आर्टिकल लिखें तो वो भी गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक हो जाएं। तो इसके लिए ये कैसे अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइंड करनी है, इसके लिए दो टूल हैं जो आपने यूज़ करने हैं। उन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं या आप लोग दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो टूल है वो है scmrush.com और दूसरा टूल है गूगल एडवर्ड्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं scmrush.com को। ये एक पेड टूल है, फ्री नहीं है, बट इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप इसको 7 डेज के लिए, इसके कंप्लीट जितने भी इसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, आप उनको 7 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट लगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गूगल एडवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट गूगल एडवर्ड्स के ऊपर आपको एक ही चीज़ मिलेगी, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फंक्शंस और चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। जैसा कि किसी भी दूसरी वेबसाइट को आप ऑडिट कर सकते हैं, वो किस कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है उसके लिए, और इसके अलावा ये SEO में नंबर 1 टूल है। तो फॉर एग्जांपल हमने इसको ओपन जो है वो कर लिया है, आपके सामने है ये। अब अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर, तो कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और अब कोई भी कीवर्ड आप लोग यहाँ पे सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एफिलिएट प्रोग्राम और इसको सर्च करूंगा। अब ये मुझे बता देगा कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, वॉलमार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, या फिर टारगेट एफिलिएट प्रोग्राम, ईबे एफिलिएट प्रोग्राम। तो ये मुझे बताएगा कि कैसे कैसे लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम। तो जो भी मेथड्स हैं, जिस भी तरह से लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ये टूल मुझे वो दिखा देगा। अब यहाँ पे देखिए ये US में ये कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है, इंडिया में, और इसके अलावा आई डोंट नो कि ये कौन सा कंट्री है, UK है, कनाडा है, फिलिपीन है, तो ये सब कंट्रीज़ में कितने परसेंट ये जो है वो सर्च हो रहा है, आपको ये सारी डिटेल्स इस कीवर्ड की मिल जाएंगी। यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये देखिए ये है कीवर्ड वेरिएशंस, ये है क्वेश्चंस, यानी कि इस ये जो कीवर्ड है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर भी आप लोग वीडियो बना सकते हैं। व्हाट इज एफिलिएट प्रोग्राम, व्हाट इज अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम, तो ये क्वेश्चन है, ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे कीवर्ड वेरिएशंस में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम 3 लाख से ज़्यादा उसने ये जो कीवर्ड्स हैं वो हमें सर्च करके दे दिए हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं व्यू ऑल, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको जितने भी ये कीवर्ड्स होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे, और इनमें कोई भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और ये आपको बताएगा, ये टूल आपको बता रहा है यहाँ पे, ये जो है इसका ऑप्शन KD, इसका मतलब है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, यानी कि इस कीवर्ड की कितनी डिफ़िकल्टी है रैंक होने में। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पे अपना माउस लेके आते हैं तो ये देखिए ये बोल रहा है कि पॉसिबल है, अगर आप लोग अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो पॉसिबल है आपका रैंक होना। और यहाँ पे आप लोग आते हैं तो बोल रहा है कि बहुत ही हार्ड है इसके ऊपर, और इसके अलावा इसके ऊपर वेरी हार्ड, इसके ऊपर पॉसिबल, इस तरह। ये जो है ये अमेज़न एफिलिएट प्रोग्राम है, ये एफिलिएट प्रोग्राम है, एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम, टारगेट एफिलिएट प्रोग्राम, तो ये हमें कीवर्ड्स दे रहा है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर आप लोग वीडियोस जो है वो बना सकते हो। नाइक एफिलिएट प्रोग्राम और वॉलमार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, अमेज़न एसोसिएट एफिलिएट प्रोग्राम, इस तरह आपको कितने कीवर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 33,286 कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं जिनके ऊपर आप लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो जैसे वीडियोस बना सकते हैं, जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाएंगे आपको ये न्यू कीवर्ड्स जो है वो मिलते जाएंगे, जिनमें जो इनका रैंक होना जो है वो इजी हो जाएगा। कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको मिलेंगे जिसमें यहाँ पे लिखा होगा वेरी इजीली, कि आपका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है या इस कीवर्ड के ऊपर जो रैंक होना है वो बहुत ही इजी है, उसके ऊपर जब आप लोग वीडियो बनाएंगे तो आप बहुत ही इजीली रैंक कर जाएंगे। तो ये था फर्स्ट टूल, इसको आप लोग अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं गूगल एडवर्ड के ऊपर, या गूगल एड्स अब इसका न्यू नेम है, इसके ऊपर आइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, और उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग्स में आपने आना है, और कीवर्ड प्लानर के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगर आप लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये पेज आपके पास, यहाँ पे आपने कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे आपको लोकेशंस मिल जाएंगी। अभी ये पाकिस्तान है, जो भी आपका कंट्री होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं पाकिस्तान को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे आपने जो आपका कीवर्ड है, आप जिस कंट्री में उसको सर्च करना चाहते हैं, आपने वो सारे कंट्रीज यहाँ पे ऐड कर देने हैं। यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और सेव करेंगे तो अभी ये ऑल लोकेशन हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम्स या फिर एफिलिएट प्रोग्राम, और मैं इसको गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी मुझे जो कीवर्ड्स होंगे, जितनी जितनी बार ये सर्च हो रहे हैं, वो शो होने लग जाएंगे। ये देखिए एफिलिएट प्रोग्राम जो है वर्ल्ड वाइड, ये जो है मंथली जो इसकी सर्चेस हैं वो कितनी है, 10K से लेकर 100K, और ये सिर्फ गूगल के ऊपर। अगर आप लोग इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और गूगल एंड सर्च पार्टनर्स के ऊपर, यानी कि गूगल के जो सर्च पार्टनर हैं वो भी यहाँ पे उनकी उनकी भी ये जो नंबर्स हैं वो शो होने लग जाएंगे। सर्च पार्टनर यानी कि यूट्यूब हो जाएगा और इसके अलावा बाकी जो भी हैं। अब नीचे आते जाइए और ये देखिए फ्लिपकार्ट एफिलिएट, शॉपी एफिलिएट, अली एक्सप्रेस एफिलिएट, और इनका जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ही लो है। ये देखिए ये लो है, यानी कि आप लोग इसको इसको ईजिली इसके ऊपर रैंक कर सकते हो गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। ये मीडियम है, ये मीडियम है, और कुछ हाई होगा कंपटीशन किसी जगह पे, तो जहाँ पे हाई है उसको थोड़ा बीट करना मुश्किल होगा, जहाँ पे मीडियम है उसको भी थोड़ा बीट करना मुश्किल होगा। बट ये जो लो है इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए। ये सही है कि यानी कि फॉर एग्जांपल ये मीडियम है तो इसके ऊपर जो सर्चेज हैं वो भी ज़्यादा हैं, जो लो है उसके ऊपर सर्चेज कम है। बट अगर आप लोग कोई ऐसा कॉन्टेंट बनाते हैं जिसकी सर्चेज ज़्यादा हैं और वो सर्च में ही नहीं आ रहा और वो किसी साइड में कोने में पड़ा हुआ है, कोई भी उसको नहीं देख रहा, तो उसका क्या फ़ायदा। इससे बेटर है कि आप लोग उसके ऊपर वर्क कीजिए जिसकी सर्चेज कम है बट आपको व्यूज़ या विजिटर्स तो मिलते रहेंगे। अगर आप लोग किसी ऐसे कीवर्ड पे बनाएंगे जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपका आर्टिकल या आपकी वीडियो किसी कोने में चली जाएगी और कोई भी उसके ऊपर विजिट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड जो है वो चूज़ करने। ये देखिए लज़ादा एफिलिएट प्रोग्राम, ईबे, गेट रिस्पॉन्स एफिलिएट, वालमार एफिलिएट, और इसके अलावा IQ ऑप्शन एफिलिएट। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी कूपन कोड, कोई कूपन कोड प्रोवाइड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कूपन कोड। तो ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई डोंट नो कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में आप लोग वर्क करना चाहते हैं। जो भी है आप लोग उसके रिलेटेड यहाँ पे आके सर्च कीजिए। ये देखिए अर्बन आउटफिटर्स प्रोमो कोड, ओके, वेफेयर डिस्काउंट कोड्स, तो इसके रिलेटेड जितने भी, और यहाँ पे KFC कूपन्स, और यहाँ पे ओलिव गार्डन कूपन, तो मुख्तलिफ जैसे जैसे लोग कूपन कोड को सर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, वो मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। डिस्काउंट कोड लोग सर्च कर रहे हैं, प्रोमो कोड लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये सारे कीवर्ड्स मुझे शो होने लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं बनाना चाहता हूँ वीडियो यूडमी कूपन कोड के ऊपर, या मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ यूडमी कूपन कोड के ऊपर, मैंने इस तरह इसको सर्च किया और यहाँ पर ये देखिए ये सारी जो सर्चिज हैं यूडमी कूपन कोड की मेरे सामने आ चुकी हैं। ये मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है, लो क्या है, यूडमी फ्री कूपन, इसमें कंपटीशन नहीं है इतना। इसी तरह बाकी भी हैं, कुछ नीचे चले जाते हैं और यूडमी फ्री कोर्स कूपन्स, यूडमी कूपन्स जनरेटर, ओके, यूडमी कूपन कोड नवंबर 2020, यूडमी डील्स, यूडमी 100 ऑफ कूपन्स। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग इस तरह से कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसके ऊपर आप लोग वीडियो बनाइए। इसी तरह SEM राश का भी आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी किसी ने भी, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप SEM राश का यूज़ कीजिए, इसको आपको पे करना पड़ेगा। कोई भी शख्स ऑनलाइन जो वर्क करता है, जब भी वो किसी भी चीज़ को बाय करता है या कोई भी प्रोडक्ट लोग बाय करना चाहते हैं, वो लोग उसके सबसे पहले रिव्यू देखते हैं। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि SEM राश के ऊपर आइए, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे SEM राश रिव्यू टाइप करेंगे सबसे पहले। तो इसी तरह लोग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले वो लोग जाते हैं ऑनलाइन रिव्यूज चेक करते हैं। ये देखिए SEM राश रिव्यू 2021, ऑल द प्रो एंड कॉन्स, और SEM राश रिव्यू 2021, डिटेल्स, प्राइसिंग, फीचर्स। इस तरह ये लोगों ने यहाँ पे अपने जो इस कीवर्ड्स के ऊपर लोगों ने वर्क करके ये आर्टिकल जो है वो डाले हुए हैं। इसी तरह आप लोगों ने करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कीवर्ड्स आपने कैसे सर्च करने हैं,
कैसे आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट यानी कि आप लोग फॉर एग्जांपल होस्टिंग प्रमोट करना चाहते हैं, किसी होस्टिंग कंपनी को प्रमोट करना चाहते हो, तो अगर आप लोग प्रमोट करोगे मे बी गोडैडी होस्टिंग, तो उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, मे बी आपका जो वीडियो है या आर्टिकल है वो रैंक नहीं करेगा। होस्टगेटर, होस्टिंगर, साइटग्राउंड, इनको प्रमोट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन जो है वो मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोग कोई न्यू कंपनी या कोई ऐसी कंपनी जिसको लोग इतना नहीं जानते उसके ऊपर वीडियो बनाओगे, उसके ऊपर आर्टिकल लिखोगे, वो जल्दी रैंक हो जाएगा। और आस्ते आस्ते जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, उसके विजिटर्स ज़्यादा होंगे, उसको लोग और ज़्यादा जानेंगे, आपका आर्टिकल वहाँ पे पड़ा होगा और उसके ऊपर लोग आएंगे। और इस तरह आपने ये मेथड जो है वो फॉलो करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।